जो ऑस्ट्रेलिया का जीएसटी आना था 23 मार्च से जीएसटी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लागू हो गया 23 मार्च से। इसमें मैम, आप ये काफी बड़ी खबर है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। पिछले हाँ काफी वक्त से ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये चर्चाएं थी कि ऑस्ट्रेलिया जीएसटी कब इंप्लीमेंट करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया 23 मार्च से जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहा है। और मैम वीना गोयल, मैं चाहूंगा कि पूरा आप एक्सप्लेन करें जीएसटी से किस तरह के बदलाव आएंगे। जीएसटी अगर 23 मार्च से इंप्लीमेंट होगा तो स्टूडेंट की फाइल में क्या क्या चेंजेस होंगी इसके साथ? सबसे पहले तो इन्होंने एसओपी खत्म कर दी। जी जो एसओपी 2 पेज की बनाओ, 300 वर्ड की बनाओ, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, कंफ्यूजिंग था। एसओपी खत्म हो गई है, उसकी जगह कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, वो क्वेश्चन के रिप्लाई करने हैं बच्चों ने। अगर बच्चा कहता है मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स के पास कोई सी रिपोर्ट लगाई, कोई कुछ ले, अब अगर वो कुछ भी क्लेम कर रहा है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाना पड़ेगा। अगर जी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर, जो भी चीज आप कह रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेड प्रूफ उनको चाहिए। अब आपको क्या, लो रिस्क इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द डेट ऑफ वीजा अलॉटमेंट। जो मैं कहती हूँ ग्रुप 8 या लेवल 1 यूनिवर्सिटियों को, वो कह रहे हैं हम प्रायोरिटी देंगे। और वीजा प्रोसेसिंग 8 वीक्स और लॉस द वीजा 2 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया वीजा प्रोसेसिंग का। एडिशनल सिक्योरिटी फॉर ईच आई शुड बी एक्सपेक्टेड। वीजा रिफ्यूजल की ड्राइवर वो कह रहे हैं फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस वजह से वीजा रिफ्यूज हो रहे थे। फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया। अभी जो है इनका ये आया, अब कैप नहीं होगी कि हमें 2 लाख वीजा देना है, 2.5 लाख देना। करंटली उन्होंने कहा है देयर इज नो कैप, लेकिन एक अच्छा प्रोफाइल लेंगे। आप देख ही रहे हो पिछले कुछ टाइम से, खाली बच्चों ने जो ध्यान रखना है, एक इनकम अच्छी हो, फाइनेंशियल 1 ईयर के जो दिखाने हैं वो लगभग 30 लाख के अराउंड आते ही आते हैं। आइल्स और जो भी टेक्निकल क्राइटेरिया वो पूरा हो, प्रॉपर हो, कोर्स अच्छा लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वीजा के लिए, अगर ये 3-4 फैक्टर मैच करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिजेक्शन का कोई चांस है नहीं। मैम, अगर उन्होंने कहा कि अब कैपिंग कोई नहीं होगी, इसका मतलब है अगर अच्छे प्रोफाइल जाएंगे और जो जीएसटी की फॉर्मेलिटी स्टूडेंट्स पूरी कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होंगे, फिर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को वीजा मिल भी सकते हैं इजी। नहीं, अब मिलेंगे जी, आपको देखना, आप कैप हटा दिया ना तो वीजा मिलेंगे, लेकिन प्रोफाइल जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं वो होनी बिल्कुल, ही। तो अच्छे प्रोफाइल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया ने रास्ता खोल दिया नए सिरे से, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो आज मेरे को आप इजाजत दीजिए, मेरे को एक मैरिज जी फंक्शन मैम, अटेंड करना। जी मैम, बिल्कुल ठीक है। सो लगातार इस लाइव शो के जरिए और इन वीडियोस के जरिए आप वीना मैम से अब संपर्क कर सकते हैं 9216234209। थैंक यू सो मच वीना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।